मध्य प्रदेश के खरगोन में एक निजी होटल में कृषि आदान विक्रेता संघ जिला खरगोन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर यूरिया बिक्री पर लगाए प्रतिबंध को लेकर अपनी समस्या जाहिर की है। मध्य प्रदेश में यूरिया प्रदाय नीति में 50% निजी क्षेत्र एवं 50% सहकारिता क्षेत्र की कंपनियों से यूरिया किसानों को दिया जाता रहा है। 5 सितंबर को यूरिया प्रदान नीति में बदलाव करके निजी क्षेत्र के व्यापारियों को पूर्णतः प्रतिबंध करते हुए पूरी तरह से सहकारिता क्षेत्र को अधिकार दिया जा रहा है। इसी को लेकर व्यापारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है, सरकार के फैसले ने प्रदेश भर में 15 लाख परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मन हाथ ऊपर कर यार, राइट कम खत्म हो गया। एम आई राइट? ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आदान विक्रेता संघ द्वारा, किस तरीके की मांग है जिसको लेकर आपको प्रेस वार्ता का आयोजन करना पड़ रहा है? हमने शासन द्वारा यूरिया की नीति तय की है, जिसमें उन्होंने 100% फेडरेशन के द्वारा बेचना तय किया गया, हमारा उसमें अपोज है। हम ये चाहते हैं कि 50% व्यापारी और 50% ट्रैक्टर के माध्यम से किसानों के हित में यूरिया नीति तय की जाए, जिससे दोनों का भला हो। इस आदेश से किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है जिसको लेकर आपको किसानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी? फेडरेशन में जो डिफाल्टर है उनको यूरिया नहीं मिलना, हम 24 घंटे व्यापारी किसानों के हित में सोचता है और किसानों के हित में खड़ा है, और दूसरे खाद हम बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, यूरिया भी हमारे द्वारा बिकवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। भाई साहब, अभी जैसे आप बता रहे कि किसानों का नुकसान होगा, तो क्या देखा जाए कि ये जो सरकार नई नीति ला रही है ये क्या किसान विरोधी नीति है? ये तो किसान ही बता पाएंगे, अभी तो व्यापारी विरोधी दिख रही है, आगे चल के किसान विरोधी भी हो जाएंगे। जब किसानों को यूरिया नहीं मिलेगा तो विरोधी कहलाएगा। अगर आपकी जो मांगे वो नहीं मानती है सरकार, तो आपका आगे क्या कदम होगा? हम पूरे मध्य प्रदेश में जितनी दुकानें हैं सब बंद कर देंगे अनिश्चित काल। क्या शुभ नाम थे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य